नेम प्लेट अच्छे से बनाना, साफ साफ अक्षरों में लिखना, और हाँ फॉन्ट्स बहुत डिजाइनर होने चाहिए, ओके? और सुनो, ओ वेरा खड़ी, सुनो, सामान्य ज्ञान है, इस सवाल का जवाब दो। किस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? मुझे नहीं पता। ओ बन्ने नकामी छे। अच्छो आपको पता है? चल बताओ, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कौन से साल में शिफ्ट हुई? बस फेल। 1911 में। हाँ अच्छा मेरी बहन, सबके नाम के पीछे डिग्री लिखा हुआ है लेकिन आपके नाम के पीछे नहीं लिखा हुआ, कौन सी डिग्री लिखो? लिखो SSC पास। सागर जी, सागर जी, आपको तो पता है ना मैं तो 10वीं फेल हूँ, 10वीं फेल। ये हंसने की बात नहीं है। वही अभी से तुम 10वीं फेल हो ऐसा कभी नहीं कहोगी, क्योंकि इस साल तुम 10वीं पास हो जाओगी। हाँ मही, 2 महीने बाद तुम्हारी 10वीं की परीक्षा है। ये लो तुम्हारा हॉल टिकट। लेकिन साकर जी, मुझे पढ़ाई छोड़े 10 साल हो चुके हैं। अल हाँ, 10वीं में एक ऑल साल मेहनत करने के बावजूद पास नहीं हुई तो 2 महीने में तैसे पास हो दी। वाह वीरा, एकदम बराबर बात करी। अरे शू पथरा बराबर छे। अरे मही, तुम कम पढ़ी लिखी हो इसलिए सोसाइटी में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। वो लोग तुम्हें कभी भी खजांची नहीं बनने देंगे मही, क्योंकि तुम्हें कैलकुलेशन यानी कि हिसाब किताब करना तो आता नहीं है। और मही, घर में भी जब भी पढ़ाई लिखाई की बात होती है ना तो तुम कुछ बोल नहीं पाती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी इंडिपेंडेंट बने यानी कि आत्मनिर्भर बने। मेरे प्यारे सागर जी, अरे ऐसा किसने कहा कि समाज वाले सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही मान सम्मान देते हैं? अरे मैं तो कहती हूँ लोगों को होशियार भी होना चाहिए, जो मैं हूँ। क्या यार मही, मैंने पहली बार तुमसे कुछ मांगा और तुम हो कि शर्त लगा। सागर, ये मही एग्जाम में 35% मार्क भी नहीं ला पाएगी। मानो कि 35% मार्क लाए तो भी बदनामी तो तुम्हारी ही होगी। अरे ना ना, होतो से सासुमा, मैं सागर जी को बिल्कुल बदनाम नहीं होने दूंगी। कैसी बात करती हो मही, तुमको 35% मार्क आएंगे तो बाहर लोग तो यही बोलेंगे ना, ए, वो देखो वो घाघरा चोरी वाली है ना, 35% वाली है, वो देखो 35% वाली जा रही है। अब बताओ सागर की बदनामी होगी या नहीं? बिल्कुल नहीं सासुमा, क्योंकि मैं 35% लाऊंगी ही नहीं। अरे हाँ, तुम तो एग्जाम ही नहीं दोगी। किसने कहा कि मैं परीक्षा नहीं दूंगी? मैं परीक्षा जरूर दूंगी और अब तो सासुमा फर्स्ट क्लास लाके दिखाऊंगी। सागर जी लगा लीजिए शर्त। ये मही कहाँ गई है? पता नहीं भाभी, नाश्ता भी नहीं किया उसने। वो लद्दी पेपर वाले को उदल दई है। 10वीं की किताबें लेने गई थी। रद्दी वाले की यहाँ? हाँ। अरे मही, लेकिन 10वीं की किताबें तो मैं लाया हूँ, वो भी नई। वो क्या है ना सागर जी, नई नई किताबें ना मेरे लिए कोरी पट्टी की तरह होती है। अब देखिए, पुराने किताबों में क्या है ना, जो जो महत्व का होता है ना उसे पेंसिल से ऐसे अंकित किया होता है, इससे पढ़ने में आसानी होगी। और फिर देखना शाशुमा, मेरा फर्स्ट क्लास यो आ जाएगा। बनता है सागर, बनता है। इस तरह बेवकूफी का प्रदर्शन करने के बाद इसका गला दबाना तो बनता है। मैंने बेवकूफी नहीं, होशियारी दिखाई है ना सागर जी। और आप लोगों को पता है,
शिक्षा मंत्री तो क्या हंसी हंसी अरे कौन आने वाला है भाई अरे मेरे वेरा खड़ी के चंपक भाई मैंने तो उन्हें फोन करके अब भी बुला ही लिया है यहाँ पर चंपक जो खुद इतने सवाल करता है वो तेरे सवालों का क्या जवाब देगा सागर अब तो 35% भी नहीं आएंगे इस वेरा खड़ी को वो अलार्म किसने रखा मेरे रूम में वो मेरे रूम में भी आया बज रहा था सारी 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 अब देखिए आप लोगों को तो पता है ना कि मैं मेरी नींद खुले ना खुले इसीलिए मैंने अब सबके रूम में अलार्म रख दिया था टिनिनी 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 इतने सुबह सुबह कौन आया जय श्री कृष्ण भाई बहन चंपक भाई जय श्री अब देखो चंपक का पहला सवाल अब आएगा मजा पहले गणित सिखाना है अच्छा अच्छा तो गणित ही क्यों सिखाना है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मास्टर जी आपको गणित क्यों अच्छा लगता है मास्टर जी ये जो गणित की किताब मैंने आपको दी है ना वो पढ़ाने के लिए दी है हाँ जरा ठीक है ठीक है ठीक है तो सबसे पहले हम गणित की सीधी गिनती आपको सिखाते हैं उदाहरण के तौर पर एक सेब 12 रुपए का आता है तो 9 सेब कितने के आएंगे बताइए 90 रुपए नहीं 108 रुपए में और क्या मास्टर जी मैं एक सेब 10 रुपए में खरीदूंगी तो थोड़ा भावदार तो करूंगी कि नहीं बनता है इसलिए 90 रुपए चलो ठीक है ये तो हुआ गणित का काम अब बारी इंग्लिश की A for apple, B for बड़ा एप्पल C for छोटा एप्पल D for दूसरा एप्पल क्यों है बताओ E for एक और एप्पल F for फटा हुआ फोकट का एप्पल G for गोल गोल एप्पल और H for होल होल एप्पल क्यों है I for important एप्पल J for जोरदार एप्पल K for कोई नहीं खाएगा एप्पल बताओ क्यों है दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को ज्यादा उलझता देख नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आर्मी आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया था और बापू गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे से आधी रात को अंग्रेजों को भारत छोड़ो का आदेश जारी किया था लेकिन मास्टर जी ये सब इतिहास तो बहुत पुराना हो चुका है अरे जो पुराना होता है वही तो इतिहास कहलाता है क्यों भाई बहन अंशुमा जी ठीक कह रहा हूँ ना मैं नहीं नहीं मैंने कुछ गलत कहा अरे नहीं नहीं चंपक तुम कभी गलत कह सकते हो क्यों मैं गलत क्यों नहीं कह सकता मुझे नहीं मालूम आपको क्यों नहीं मालूम वही तुम पढ़ाई में ध्यान दो ए मास्टर जी ये सारे सवाल जाने दीजिए मैं एक सवाल पूछती हूँ उसका जवाब दीजिए अच्छा बोलो बोलो नहीं मतलब आजकल जो ये इतिहास बन रहे हैं ना जैसे कि कल्पना जी चावला बहन चंद्र पर गई है कि नहीं अच्छा फिर हमारे सचिन भाई तेंदुलकर भाई उन्होंने 100 सदी बनाई अच्छा फिर वो हमारी हिंदी फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो अभी भी कितने सालों से एक ही सिनेमा घर में चल रही है अच्छा मतलब और भी बहुत कई घटनाएं घट रही है हमारे देश में तो मेरा बस ये कहना है कि इन सब के बारे में बच्चों को कैसे पता चलेगा सो तो है नहीं मतलब सासू माँ ये सब भी सीखना जरूरी है कि नहीं या फिर वो सब पुरानी बातें ही सीखनी चाहिए आज वही एक नया इतिहास लिखने वाली है अरे मॉम वो मही है मही वो कुछ भी कर सकती है इतना गर्व लेने की बात नहीं है अरे वो हमें बापू के देश से बाहर निकालेगी
So Mark, I'm serious. तुमने इतनी मेहनत की उसकी पढ़ाई के पीछे, लेकिन तुम्हें लगता है कि वो 35% मार्क भी ले आएगी? अरे 35% छोड़ो, वो पास भी हो सकेगी? बोलो, tell me if I'm wrong. बोलो जोरू के गुलाम, अभी तो वो नहीं है. Actually, yes, mom, you're right. अरे मही, मैं तो बस रहने दीजिए सागर जी. और सासू माँ, मैं सागर जी की मेहनत पर पानी नहीं फेरूंगी. अब देखना सासू माँ, मैं एक महीने तक कैसे जी तोड़ मेहनत करूंगी. ऐसे ही मन लगा के पढ़े और अच्छे नंबर से पास हो जाए. भाभी, लेफ्ट हैंड से भी तो लिख सकते हैं. हाँ, लेफ्ट हैंड से भी तो लिख सकते हैं. और क्या, यानी लेफ्ट हैंड? किसका लेफ्ट हैंड? मेरा वाला लेफ्ट हैंड या आपका वाला लेफ्ट हैंड? आपका वाला लेफ्ट हैंड हुआ तो मेरा राइट हैंड हो जाएगा. अरे एक मिनट, परीक्षा किसकी है और चर्चा कौन कर रहा है? देखिए साकर जी, सासमा, मुझे किसी भी तरह 10वीं की परीक्षा में बैठना ही है. अरे नो प्रॉब्लम वही, तुम नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे देना. अरे ना ना सागर जी, आपकी इज्जत का सवाल है. फिर सासुमा को एक और मौका मिल जाएगा मुझे ताना मारने का. आखिर पति की नाक कटवा ही दी ना वेरा खड़ी ने. इविरिते, ओ वेरा खड़ी, तुम्हें ताना मारने के अलावा और कोई काम नहीं है मेरे पास? अच्छा, तो आपको और क्या क्या काम आता है? चंपक, यहाँ तुम्हारी बहन की क्या हालत हुई है वो तो देखो, और ऐसे मौके पे इतने सवाल पूछना अच्छा लगता है? अरे आप लोग चुप रहो, कोई मेरे बारे में सोचो, इस बात का ध्यान दो, मुझे परीक्षा देनी है सासू माँ, कुछ करो. बाप रे, कितना चिल्ला रहे हैं. ओ वीरा खड़ी, तुम्हारे बदले कोई और भी पेपर लिख सकता है. क्या सच्ची? तो फिर सागर जी को बिठा दीजिए. ए वीरा खड़ी, ज्यादा हरक पदड़ी मत हो, तेरे साथ बैठने वाला तू जो बोलेगी वो लिखेगा, और वो भी बोर्ड नक्की करेगा कि कौन बैठेगा. और सागर तो बिल्कुल ही नहीं बैठ सकता क्योंकि वो तेरा पति है और ऊपर से जोरू का गुलाम. अरे तुझे जो नहीं आता होगा वो भी लिख देगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता. बोर्ड नक्की करेगा, और अभी मैंने बोर्ड में बात की है, उनका फोन आ जाएगा. ये लो, आ गया. हाँ जी, क्या हुआ मॉम? मही के साथ परीक्षा में ऐसी व्यक्ति ही बैठ सकती है जिसके साथ उसकी ना बनती हो, जो कभी इसका पक्ष ना लेता हो. ऐसी व्यक्ति कौन हो सकती है मॉम? और कौन, इसकी सास. मतलब आप? जय अम्बे. नहीं नहीं, हम टीचर नहीं है, हम तो स्टूडेंट है. हम नहीं,
सिर्फ तुम, ओके? जाओ जाओ ससुमा, पाटली पर आप भी तो बैठने वाली हो ना लिखने के लिए। चलो रे चापली। गुड मॉर्निंग सरस्वती माता। हे चरण चरण मुझे पास कर देना, सरस्वती मैया मुझे पास कर देना, और मुझे चालन जितवा देना। मही चलो वे, कौन सा नंबर है तेरा? अच्छा ये रहा। Sit down. Right, Ben. आप मही मेहता हो ना? आप स्पेशल केस में एग्जाम दे रही हो ना? हाँ, जय अंबे। और आप अनुसया मेहता, राइट? हाँ जी। नमस्ते जी। मही, ये क्वेश्चन पेपर है, मेनू कार्ड नहीं है। मेनू कार्ड ही है सासुमा। अब देखिए, जिस सवाल के ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ना, सबसे पहले उसका जवाब लिखते हैं। हाँ, चलिए चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले श्री गणेश लिखिए। टाइम पास मत कर चापली। हाँ हाँ सारू सर, सुषमा धीरे। आप दोनों बात मत कीजिए प्लीज। साहेब, अब बोलूंगी नहीं तो फिर समझाऊंगी कैसे सुषमा को? मतलब धीरे से बात करो। परीक्षा खत्म। ज्यादा खुश मत हो मही, 35% तो दूर, तू फेल होने का भी रिकॉर्ड बनाएगी। 172वां सवाल। सवाल ये है कि कौन सी मछली पानी में नहीं तैरती? बिना पंथों वाले नहीं, अरे मरी हुई मछली पानी में नहीं तैरती। अच्छा 173वां सवाल। अब ये बताइए कि 77, 78, 69 में कौन सा बड़ा है? 69 69 के बाद तो 70 आता है, अरे 78 बड़ा है। अरे बोल दल पे क्यों नहीं चले जाते? ओ हो, अंबे माँ को रिझाने का प्रोग्राम चल रहा है। कंटिन्यू। नहीं माँ, वो आज रिजल्ट है ना? अरे हाँ, आज तो 35% वाली का रिजल्ट है। चो शशमा, ये आप ना बार बार मुझे 35% वाली बोल रही हो ना, तो अब से फर्स्ट क्लास वाली ये बोलने की आदत डाल लीजिए। क्या हो थागल भैया? वही भाभी का पली नाम आया। कन्हैया लाल, पूछ क्या रहे हो? सागर का मुंह देख के पता नहीं चल रहा है? मही तो 12 के भाव में गई। ना ना ससुमा, सागर जी की शक्ल पर मत जाइए। सागर जी ना ऐसा मुंह बनाकर हमें सरप्राइज देना चाहते हैं, है ना? मतलब सागर, मही सचमुच फर्स्ट क्लास? हाँ मही फर्स्ट क्लास। फेल हुई है। करिया लाल, अरे मिठाई लेके आओ, आज तो खुशी का दिन है। सासुमा, मैं नापास हो गई, उस बात पर आप
वहीं तुम रो मत, देखना तुम अगले साल जरूर पास हो जाओगी। मही बहन, ये आपकी नाकामयाबी नहीं है, मेरी नाकामयाबी है, मेरे पढ़ाने पर ही। ओ चंपक जी महाराज, अब आप शुरू मत हो जाना प्लीज। नहीं सागर जी, मैं ना पास हो गई, इस बात का मुझे उतना दुख नहीं है, लेकिन मैं ना पास हो गई उस बात पर ससमा उत्सव मना रही है, बोला उत्सव मना रही है, सबको मिठाई खिला रही है, मंगवा मंगवा, कैसे थोड़ी होता है सागर जी, उस बात का दुख हो रहा है मुझे। ओ 35%, तुम ना पास होगी तो मैं सिर्फ मिठाई बांटूंगी ना, मैं तो बैंड बाजा मंगवाऊंगी, पटाखे फोड़ूंगी, मैं नाचूंगी। जो जो सागर जी। अरे जो जो, तुमने क्या कहा था मुझे हा? कि हिस्ट्री में नए चैप्टर्स ऐड होने चाहिए जिससे बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगे, मजा आए। तुम्हारी बात शिक्षण अधिकारी को बताई और उन्होंने मेरी बात सुन ली। अरे वाह, अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस वही, ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरा खड़ी, ये ले। अब नहीं बैठ, ये ले मुंह मीठा कर। खिला सागर, मिठाई खिला। तू परीक्षा में भले ही फेल हुई हो, लेकिन मेरे लिए तो तू पास हो गई है, और वो भी फर्स्ट क्लास में। अच्छा सासू माँ, अगली बार ना हम परीक्षा के लिए और जोरदार मेहनत करेंगे। हाँ, और सासू माँ आप ना लिखने की मस्त प्रैक्टिस करते रहना, रपा रप। ये तेरा पट्टा अगले साल तक नहीं रहने वाला है। अगले साल तो एग्जाम तुझे ही देनी पड़ेगी। अच्छा, आप दोनों से मैं एक सवाल पूछूं? नहीं।